एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनली एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ होने वाले। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप लोगों को रिजल्ट को डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए सरप्राइज भी होने वाला है, तो इस वजह से आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि आप सभी लोगों को जो लगातार नोटिसेस हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट जो रहेगा हाफ आवर पहले, जो है एक ऑफिशियल नोटिस या फिर मैं बोलूं कि रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया गया पीजीआई रोहतक के द्वारा। अभी के अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली जो रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि पीजीआई रोहतक में जो भी शेड्यूल होता है सभी उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, जैसे रिजल्ट रहेगा, जैसे उनसे रिलेटेड शेड्यूल रहता है उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अप टू टाइम पीजीआई रोहतक ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाली हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिजल्ट रहेगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, सबसे ऊपर मैंने जो रिजल्ट है उसका लिंक दिया है, तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट जो रहेगा आप लोगों के फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों को कहीं पर भी रिजल्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इवन तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी आप लोग कैसे रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भी आप लोग जो है डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी। तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे रिजल्ट को डाउनलोड करना है। सबसे पहले uhsr.ac.in अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, पंडित भगत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, हम लोग हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड आप लोगों के सामने जो रहेगा ये अपडेट हो चुका है, ठीक है, ये 27 दिसंबर को अपडेट हो चुका है एंड 27 दिसंबर को ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं 27 दिसंबर, थोड़ी देर पहले यहाँ पर नोटिस जो है आ चुका है एंड यहाँ पर रिजल्ट जो है अपलोड हो चुका है। तो इसको आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इसको आप लोगों को सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कंप्लीट आप लोगों का जो है रिजल्ट आ चुका है पीडीएफ यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। एज मेंशन आप लोगों को तो ये डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट जो रहेगा 18 पेजेस के पीडीएफ यहाँ पर होने वाली है एंड इन कैंडिडेट्स का जो है अभी फाइनली ये रिजल्ट आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि हेल्ड हुआ था 26 को, ठीक है, तो इसका रिजल्ट इन्होंने डाल दिया। रिजल्ट इज प्रोफेशनली द सलेक्शन एंड द फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। इन्होंने सेम वही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ पर ये रिजल्ट है, बट जो कौन कौन एलिजिबल रहेगा वो यहां पर जो रहेगा काउंसलिंग के समय ही पता लग सकेगा, ठीक है, काउंसलिंग के समय ही पता आप लोग लगा सकेंगे। एज पर गाइडलाइन मेंशन इन प्रोस्पेक्टस इंस्ट्रक्शन इश्यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, इफ अगर आप लोगों को कोई क्लेम है तो आप लोग वो क्लेम भी कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं 180 मैक्सिमम मार्क्स पे यहां पर रिजल्ट जो है दोबारा से जो है अपलोड कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का रिजल्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, उसके साथ साथ एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ऑलमोस्ट 18 पेजेस की पीडीएफ है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।